भारत को अमेरिका अपना लीडर मान रहा है, आप समझ नहीं है इस सेंटेंस की ग्रेविटी। वहां पे एक सहाफी ने पूछा कि बाइडेन साहब क्या ये क्वाड जो है नवंबर के बाद चलेगी या ये बंद हो जाएगा सारा खाता। मिस्टर प्रेसिडेंट, विल द क्वाड सर्वाइव बियॉन्ड द इलेक्शन इन नवंबर? द क्वाड, तो उन्होंने कहा नहीं, बहुत आगे चलेगी, अगली जो नुमाइंदगी है या मेजबानी जो है वो इंडिया करेगा। विल इट सर्वाइव रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम? इस पर बाइडेन ने बड़े ही भरोसे के साथ पीएम मोदी के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि क्वाड चुनाव के बाद भी बना रहेगा। प्रेसिडेंट बाइडेन मोदी साहब को लेने के लिए अपने घर से निकलकर उनकी गाड़ी तक पहुंचे और उनको लेकर सीधा अपने घर चले गए। प्रधानमंत्री के इस गाड़ी पर अमेरिका और भारत के झंडे लहराते हुए ये दोनों प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, तो राष्ट्रपति जो बाइडेन उनको रिसीव करने पहुंचे और दोनों नेताओं ने दूसरे को गर्मजोशी के साथ में स्वागत किया है। और इसके बाद इस वक्त ये बैठक का मुलाकातों का दौर चल रहा है। एक कंट्री है जिसके प्राइम मिनिस्टर को वो प्रेसिडेंट बाइडेन अपने घर से बाहर निकलकर उनकी गाड़ी के पास आकर उनको गाड़ी से निकालकर अपने घर के अंदर लेकर जा रहे हैं। वहाँ पे हाथ में हाथ, बाहों में बाहें चाय पी जा रही है और साथ ही उनको जो है खाने खिलाए जा रहे हैं। पाकिस्तान का जोकर शहबाज शरीफ जो यहाँ का वजीर आजम है वो तो फॉर्म 47 के ऊपर बना हुआ है, उसकी क्या इज्जत होगी और उसे क्यों जो है वो अमेरिका वेलकम कहे। वो कह रहा है कि क्वाड और क्वाड में कोई छोटे मोटे कंट्रीज नहीं है, उसमें अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और भारतवर्ष है। मोदी से मुझे हजार इख्तलाफात हैं लेकिन इसके बावजूद वो इंडियन कौम का नुमाइंदा है क्योंकि वो वहां की कौम ने उसे इलेक्ट किया है। पाकिस्तान का जोकर शहबाज शरीफ जो यहां का वजीर आजम है वो तो फॉर्म 47 के ऊपर बना हुआ है, उसकी क्या इज्जत होगी और उसे क्यों जो है वो अमेरिका वेलकम कहेगा। और वैसे भी दुनिया भर का उसूल है कि गद्दारों से काम लेकर उसे टिश्यू पेपर की तरह जो है फेंक दिया जाता है, उनकी कोई इज्जत और एहतराम नहीं हुआ करता। तो सर यानी उनका जाने का कोई मकसद नहीं बनता, उनका जाना बनता ही नहीं है। नहीं, जाने का मकसद बनता है, लंदन में अपने जो फ्लैट है उनकी भी देखभाल करनी है, वहां पर भी उनका जो है वो क्याम होगा और अमेरिका में नए जजीरे ढूंढे जाएंगे जहां पर जो है वो पाकिस्तान के खजाने को लूट कर वहां पर जो है वो नई दुनिया आबाद की जाएगी। तो मकसद तो है, क्यों नहीं है, और जाना भी चाहिए क्योंकि वो इस मुल्क के ऊपर शबखोन मार के एक वजीर आजम की कुर्सी पर जोकर बैठा हुआ है, तो वहां जाकर कोई एक नया ड्रामा, नया टिकटॉक जो है वो शो करेगा। जैसे उसने दुनिया भर में जहां भी गया ना तो उसे इंग्लिश बोलनी आती है ना उर्दू बोलनी आती है, तो वो हमेशा पाकिस्तानी कौम का सर जो है वो शर्म से झुका ही देता है। मोदी का और शहबाज शरीफ का मुकाबला कोई नहीं क्योंकि मोदी नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान के अंदर बगैर वीजे के नवाज शरीफ ने उसे, शहबाज शरीफ के भाई ने पाक सरजमीन पर बुलाया था, पाकिस्तानियों के हेलीकॉप्टर में मोदी को बिठाया था जो दुनिया के 100 पीस के खिलाफ है। तो ये तो उनके यार हैं, शायद वहां पर जा रहा हो कि आप जो है पाकिस्तान इमरान खान से मेरी जान छुड़ा दो, इसलिए भी जा रहा होगा। अगर उनके मोदी के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात होते तो अब तक इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर ना हो गए होते, क्योंकि जब से ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई वो बड़ी शिद्दत से चाह रही है कि दोनों मुल्कों के दरमियान पुरअमन बातचीत हो, ट्रेड हो, लेकिन इंडिया कहता है कि हमने पाकिस्तान के साथ ना तो कोई बातचीत करनी है, ट्रेड तो बड़ी दूर की बात है। अच्छा, ये नाइंसाफी होगी कि आप कहें सिर्फ मुस्लिम लीग की हुकूमत है, यहाँ पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत है, यहाँ बाप पार्टी की भी हुकूमत है, MQM की भी हुकूमत है, PDM2 है जो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है, और इंडिया कैसे इनके साथ जो है वो ख्वाहिश करेगा। उन्हें नहीं पता कि ये फॉर्म 47 की पैदावार है, वो इनका मुंह नहीं चढ़ाते हैं, तो ये दुनिया भर में इनके ऊपर थू थू हो रहा है लेकिन ये पाकिस्तानी कौम के ऊपर जो है वो जबर कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। आज भी पूरा पंजाब जो है वो कंटेरिस्तान बना हुआ था, मरियम टिकटॉकर जो है वो समझ रही थी कि मैं कंटेनर लगवा कर जो है वो जलसे को फ्लॉप कर लूं। अब जैसे ही मोदी साहब उतरते हैं, लैंड करते हैं फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पर, तो जो यहाँ पर मौजूद बड़ी तादाद है अमेरिकन इंडियंस की वो तो टूट पड़े एयरपोर्ट पर। उन्होंने अपने हाथों में पेंटिंग्स उठा रखी थी मोदी साहब की, उनके कॉन्सेप्ट्स की, उनके आइडियाज़ की, और हर कोई ये चाहता था कि वो अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ यानी अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ तस्वीर बनवाए। सेल्फियाँ ले लेकर लोग पागल हो गए भाई। फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पर जब वो पहुँचते हैं तो एयरपोर्ट पर गरबा पेश किया जाता है, रक्स होता है, भारतीय रक्स, और वहाँ पर उनका म्यूज़िक चलता है। फिर इसी के साथ वो एयरपोर्ट से जब अपने होटल पहुँचते हैं, होटल की लॉबी में बहुत बड़े लेवल पर इंतज़ाम था और बड़ी तादाद में अमेरिकन इंडियंस मौजूद थे और वो बस एक झलक देखने के लिए मोदी साहब की तड़प रहे थे। और मैं अभी आपको ये तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं लेकिन मैं अभी आपको ज़रा ये दिखाती हूँ कि कैसे उन्होंने उनके हवाले से बात की है।
अच्छा, फिर वो जब वहां से चलते हैं और वो पहुंचते हैं प्रेसिडेंट बाइडेन से मिलने के लिए, तो प्रेसिडेंट बाइडेन के घर वो अभी बाहर गाड़ी में मौजूद होते हैं, तो जो बाइडेन होते हैं वो अपने घर से निकलकर जाकर मोदी साहब की गाड़ी के पास उनको रिसीव करते हैं, उनको वेलकम करके घर के अंदर लेकर जाते हैं। फिर जनाब वहाँ पे चाय पी जाती है, उसकी तस्वीरें चल रही हैं, फिर उसके अलावा जो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं फोमियो किशिदा और जापान के प्राइम मिनिस्टर, और ये वहाँ पर एंथनी ब्लिंकन भी मौजूद थे और भी कुछ स्टेट अथॉरिटीज़ वहाँ पर मौजूद थीं जिनके साथ मुलाकातें होती हैं और डिक्लेरेशन आता है सामने। मैं तो ये कहती हूँ कि ये जो वेलकम हुआ है मोदी साहब का अमेरिका के अंदर, दैट इज़ अनबिलीवेबल। तार साहब, ग्लोबल पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स, और वहाँ पे एक सहाफ़ी ने पूछा कि बाइडेन साहब क्या ये क्वाड जो है नवंबर के बाद चलेगी या ये बंद हो जाएगा सारा खाता, तो उन्होंने कहा नहीं, बहुत आगे चलेगी, अगली जो नुमाइंदगी है या मेज़बानी जो है वो इंडिया करेगा। दूसरा, तार साहब, पाकिस्तान के वजीर खारजा यूनाइटेड नेशंस में नहीं आ रहे, मतलब ये तो बहुत बड़ा सेटबैक है। आप क्या समझते हैं इस उनके वजीर खारजा को, पाकिस्तान के वजीर खारजा को ना आना, पूरी दुनिया के लीडरशिप से मुलाकातें होती हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? और इस वक्त ये भी बातें हो रही हैं कि अमेरिकी लीडरशिप सिख रहनुमाओं से मुलाकात कर रही है, इंडिया प्रोटेस्ट कर रहा है उसके ऊपर कि क्यों सिख रहनुमाओं से मुलाकात कर रही है, क्या कहेंगे तार साहब? ये तो बड़ी हैपनिंग हो रही है न्यूयॉर्क एंड वॉशिंगटन में। चीमा साहब, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप इसको डाइसेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, बिलखसूस जो इस वक्त हमारे, मैं दो चीज़ों का कंपैरिजन हालांकि बनता नहीं है करने की कोशिश करूंगा कि इस वक्त मोदी साहब और भारत क्या कर रहा है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब लंदन पहुंच चुके हैं अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने के लिए। वो दो दिन वहां रहेंगे, तीन दिन यहां रहेंगे, मैं उस पर बात करना चाहूँ। वो पहुंच चुके हैं, वो एयरपोर्ट पे रेंज रोवर्स का एक जुलूस था जिसपे वो एयरपोर्ट से घर पहुंचे हैं, और दो दिन अपनी फैमिली के साथ खाबे शाबे खाएंगे वहां से, और अपने जो प्रॉपर्टी है उसको देखेंगे, किसका छत लीक हो रहा है, किसका किराया आया है या नहीं आया, कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं, देखना। मैं मेरे अलमियात हैं, मेरे दुख हैं, मैं हमेशा अपने ही जख्मों पे नमक छिड़कता रहता हूँ, लेकिन चलें। चीमा साहब, अब से थोड़ी देर पहले जब मोदी साहब आए तो इंडियन डायस्पोरा ने उनको रिसीव किया, लोगों ने हाथ की बनाई हुई पेंटिंग्स उनको दी गई, मोदी मोदी नारे लगे, उन्होंने ऑटोग्राफ दिए लोगों को, हौसला अफजाई की। मोदी साहब का एक ट्रेडमार्क है कि जब भी जाते हैं, जहां जाते हैं, कुछ चीजों को प्रमोट करते हैं, एक तो फ्लड अपने डायस्पोरा उसको प्रमोट करते हैं, अपना फाइनेंशियल सिस्टम है उसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, करेंसी को प्रमोट करते हैं, वहां पे जो स्टूडेंट होते हैं उनको प्रमोट करते हैं, और उसके बाद साइंस और टेक्नोलॉजी पे तवज्जो रखते हैं। वो पहले तो हम देखते रहे कि मेलानी मोदी की सेल्फी ही वायरल होती थी, लेकिन अब तो पूरी दुनिया में ना ये एक क्रेज हो गया है मोदी साहब के साथ सेल्फी उतरवानी, और वो सेल्फी इतनी, हर बंदा यहाँ पर जो है डायस्पोरा इंडिया का, वो सेल्फी लेना चाहता था प्राइम मिनिस्टर के साथ।